मैन वूमेन राष्ट्रीय इदा पाऊ सारा भर गया। देखो ये रेस्ट एरिया का नाम पता क्या है, क्लिफ्टन हाउस साइट, ये वाला। ये सब बंदे मेरे से बाद में आगे रात को सोए। अपनी तो अभी स्लीप पूरी होगी, लेकिन टेम्परेचर है -8 और ऊपर मौसम बड़ा साफ है, तारे चढ़े हुए हैं। सात श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल, चढ़ दिखला ही होनी चाहिए। हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, असली बंदे तो ये हैं। ये असल में वाइड लोड लॉ बॉय के ऊपर, इसको लॉ बॉय बोलते हैं, डबल ड्रॉप। दूर से मालूम पड़ता है ना कोई प्रो लेवल का ड्राइवर आ रहा है और हम इसी में हवा कर रहे हैं। बुक मैंने हवा में डाली हुई है, मैं आ गया हूँ पंप के ऊपर। आज हमने सुबह जल्दी स्टार्ट किया था तो 400 किलोमीटर ट्रक ऑलरेडी मैंने चला दिया, तो मैंने कहीं पर ब्रेक नहीं मारी, सिर्फ एक वॉशरूम किया है। यहाँ पर ब्रेक निकालते हैं आधे घंटे की, साथ में कुछ खाते हैं, फ्यूल भी अपना कम हो गया। ये देखो एक बड़ा 4 के पास में आ गया, और ये देखो कंपनी जामा कंपनी का, ये इसमें पक्का मोटरसाइकिल होगी या कारें होंगी, कितना जबरदस्त ट्रक लग रहा है ना। नया पॉइंट कर लिया है भाई, पहले तो चल नहीं रहा था हमारा, ट्रैक्टर में डालना है भाई, ट्रैक्टर बोल रहे हैं, देख लो यहाँ पे ट्रक पे इतना टाइम लग गया, देखो मशीन में सेलेक्ट करने में। हर बार भूल जाता हूँ कि लव के पंप के ऊपर अमेरिका में आके दोनों तरफ की मशीनें चलती हैं, एक तरफ पैप लगा के आराम से बैठा हुआ हूँ, फिर मेरे को याद आया कि मैं क्यों बैठा हुआ हूँ भाई। देख लो अभी भाई पढ़े लिखे बंदे यहाँ पे कौन कौन सी जॉबें छोड़ के आए, सारे ट्रक ड्राइवर ही बने हुए हैं, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी ट्रक भी चला रहे हैं, पैसे भी ट्रक से कमा रहे हैं। 163 गैलन आया, 163, और डीजल का प्राइस कितना है, $4 को गैलन है, 4.09। और ये देखो टायर पास बना हुआ है, अगर आपके पास में टायर पास है तो आप यहाँ पे अपने टायरों में हवा भर सकते हैं, ऐसे सीधा आपके टायर सामने आ गए ना, वहाँ पे ट्रेलर के आ जाएंगे, और ये आगे वाले टायर के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसके पैसे लगते हैं अलग से। चल मित्रा अभी यहाँ पे हमने को आधा घंटा ऑफ निकालनी है, उसी आधे घंटे में हमने कुछ खाना भी है लेके, और ये वाले लव के पंप के ऊपर ना बोर्ड के बाहर ही आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके पंप के ऊपर क्या है। यहाँ पे कार्स ब्राउन है, बर्गर वाले, अंदर जाके देखते हैं क्या पसंद आते हैं, नहीं तो फिर रोटियाँ करते हैं गर्म। अभी हम जब एरिजोना की तरफ जा रहे हैं, तब एरिजोना से याद आ गया भाई, परमिट भी प्रिंट करवाना है यहाँ से, एरिजोना का परमिट आपके पास में प्रिंट हुआ पेपर होना चाहिए, आपके मोबाइल वाला नहीं चलेगा, उसकी भी टिकट दे देते हैं ये, उसको बोलते हैं फिजिकल परमिट होना चाहिए आपके पास में, ऐसी टीम होनी चाहिए आपकी, इसे बोलते हैं टीम। वाह लगती है ना पूरी दासू टीम। वो सामने छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं वो पहाड़ है, ये भी कोई बताने वाली चीज है, पहाड़ है भाई, सबको मालूम है वो पहाड़ है। क्या हो गया मुझको, कहावत होती थी ना, सिख ले पुत्रा ड्राइवरी, माड़े तेरे कर्म, रोटी खानी कदी कदी सौना अगले जन्म। लेकिन शुक्र है कि भाई कनाडा अमेरिका ने इन चीजों को जुठला दिया है, अभी जूठा साबित कर दिया भाई। ड्राइवरी तो हमने सीखी है, ड्राइवरी ने हमारी एक पहचान बना दी, ड्राइवरी ने अपने मेरे को पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया, ड्राइवरी ने मेरी जिंदगी, एक मैं फ्री बंदा था तो मैं ड्राइवरी करके अपना परिवार पाल रहा हूँ, दोबारा ड्राइवरी करके अपना घर बार चला रहा हूँ, ड्राइवरी करके मैंने गाड़ी ले ली। कोशिश करेंगे, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन जिस दिन अपनी पहुँच पड़गी ना इंडिया में जाके, पक्का कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि भाई इंडिया वाले ड्राइवरों को भी वो इज्जत मिले जो यहाँ के ड्राइवरों को मिल रही है। लेकिन यहाँ तो अभी कम हो रही है, लेकिन कम होने नहीं देंगे। बहुत सारे भाई अपनी वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं कि भाई ट्रक चलाना, हमने भी ट्रक चलाना है। मैं बोलता हूँ कि ट्रक चलाओ बस, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए मत चलाना, शौक के लिए भी चलाना। शौक है ट्रक चलाओगे शौक से, पैसा तो अपने आप आना ही है। अभी मैं चला रहा हूँ, मेरे को शौक है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, मेरे को इतना पुराना ट्रक, मेरे को अब मैं चाहूँ तो मेरे को नया ट्रक भी कंपनी दे सकती है, लेकिन 2016 मॉडल लेके आया हूँ मैं, इसकी 1 मिलियन चला हुआ, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है, ओल्ड स्कूल, मज़ा आ रहा है, ट्रक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए वाला हिसाब ही है, बस कुछ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो मशीनरी है होती रहती है। आ जाओ खाते हैं खाना भाई तसल्ली से बैठ के, अंदर से फिर वही फ्राई वाला फूड मिलेगा तो उससे बचते हैं, उससे बचने के लिए मैंने अभी घर की रोटियाँ गर्म की हैं, दिन में खाओ, रात को सोने के टाइम में अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो रोटी अवॉइड भी कर सकते हो। चल रानो दिखा सबको आसपास का एरिया।
ये वाली ट्राई कर लेते हैं। कम से कम इतनी इज्जत तो है, कॉफी फ्री मिलती है। एक बार आपने डीएल डाला, अपना पॉइंट कार्ड जाके अंदर चलाओ तो लव से कॉफी फ्री है। बहुत लेट हो गए यार, आधे घंटे की ऑफ निकालनी थी और मैंने तकरीबन एक घंटा निकाल दी यहाँ पे, लेकिन अभी जाते हैं। आपको मैंने बोला भी था याद रखना कि परमिट निकालना है एरिजोना का। पेपर निकालने के लिए गया, ईमेल की 20 मिनट बंदे को ईमेल ही नहीं पहुंची। वो बोलता है सबर रखो, मैं बोला भाई कौन से जमाने में जी रहा है, अभी ईमेल के लिए भी सबर रखना पड़ेगा 20-20 मिनट। सबर अपने को अभी भी 800 किलोमीटर दिखा रहा है यार। कोई नहीं आ रहा। शहर का नाम मेरे को मालूम नहीं, बड़ा खतरनाक सा नाम है, एल्बुक्रेक ऐसा करके कुछ नाम है, एल्बुक्रेक। चलो ए, कोई चक्कर नहीं भाई, थैंक यू, उनको इशारा हो गया। ये लव का टैंकर था एक नंबर, इतना है कि अपना थोड़ा सा हार्ट टेके अभी गेरों वाले ट्रकों के ऊपर एपीटी में आके। ये तो पहले तो मैंने कभी गेर को डाले ही नहीं, ऑटोमेटिक ही चलाते थे पहले। गेरों वाले का भी एक अपना ही स्वाद है, जिसको इसका चस्का लग जाता ना गेरों वालों का, वो तो दूसरा ट्रक ही नहीं चलाता। चलो मेरे भाई, चाय की चुस्कियां लेते हुए जाएंगे। जिंदगी में आए हैं मजे करने, डिपेंड अपने ऊपर करता है, मजा हर कोई कर सकता है। जैसे ये मेरा काम है, घर से कितनी दूर, तकरीबन 250-250 किलोमीटर दूर घर से। अगर मैं सोचूंगी भाई बहुत दूर आ गया, हाय मारे गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई हर एक सब दुनिया कर रही है यार, मजा करो। आने वाले कल का क्या मालूम है, कल क्या होने वाला है, कल है भी है नहीं है। सातवां गियर मेरे से अभी तक सेट नहीं हुआ, बाकी सारे सेट हो गए। एसी गर्मी होगी, एनके कहाँ है मेरी एनके? ओहो यकास, वाह दुनिया रंगीन होगी, नीले रंग की होगी दुनिया सारी। इंटरस्टेट के ऊपर सफर करने का ना एक अलग ही मजा है। जैसे ही हमने न्यू मेक्सिको और एरिजोना का बॉर्डर क्रॉस किया ना, एरिजोना में एंटर हुए, तो एंटर होने के साथ में ही सबसे पहले जो व्यू आया अपने सामने वो ये। जगह का नाम मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इस शहर में सारियां पुरानी दुकानें ही हैं और यहाँ पे लोग ना घूमने घामने के लिए और इवनिंग बताने के लिए आते हैं। वो ऊपर देखो जानवरों की फोटोज, जानवर बिठाए हुए हैं डुप्लीकेट। ओ सोना आ गया, ओए अपना सोना आ गया अमेरिका में देखो। लेकिन अभी इस बार मैंने ओपन ही मंगाया सारा, मैं बोला छिपाने की जरूरत नहीं है। ओए ट्रक देखो, ओए सिल्वर कलर का, ओ जियो तेरे। जब हम न्यू मेक्सिको की तरफ से आ रहे हो I-40 के ऊपर और एरिजोना एंटर करते हो, एंटर करने के साथ में एक लिखा होगा बड़े बड़े बोर्ड आएंगे, एरिजोना इंडियन सिटी, एरिजोना इंडियन। वो ना नेटिव लोगों का छोटा सा एक टाउन है यहाँ पे, और उनके शॉप बने हुए हैं, वो हाथ से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पे बेचते हैं, सेल करते हैं, उनका बड़ा स्टोर है यहाँ पे। ये छोटा सा टाउन है, और आगे देखो आपको एक बोर्ड भी आएगा इंडियन नाम का, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नेटिव लोगों के टाउन है। और ये देखो उन्होंने लिखा भी हुआ इंडियन रूम्स टी शर्ट्स सोवनियर्स 8 miles, जिसके अपने हाथ से बने हुए कपड़े। और ये भाई साहब का ट्रक खराब है और मैं ऐसे ऐसे उंगले कर रहा हूँ तो कहीं इतना कुछ प्यार व्यार हो जाए इससे। दोनों तरफ देखो कच्चे पहाड़ हैं और कच्चे पहाड़ों के बीचों बीच ट्रैफिक, और सामने जो बादल का एक टुकड़ा है ना क्लाउड्स, ओए ओए ये पूरी सीनरी बन गई देखो, क्या ही बात है, दिल खुश हो गया। चाहे पहाड़ कच्चे ही हैं लेकिन फीलिंग बड़ी पक्की दे दी इन्होंने।
आगे से खंडे वाला ट्रक आ गया। ये भाई अभी हम न्यू मैक्सिको से एरिजोना के तरफ बढ़ते हुए किलोमीटर किलोमीटर एरिजोना एरिजोना। लेकिन एक और चीज भी है इंटरस्टेट के ऊपर ना, पुलिस बहुत घूमती है यहाँ पे। अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना पहले पुलिस वाले की, वो दो गाड़ियां एक ही बंदे के ट्रक की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि न्यू मैक्सिको के साथ में जितना भी अमेरिका लगता है ना, वहां पे चेकिंग बहुत है। देखिए इलाका सारा ऐसा ही है राजस्थान जैसा। कमर्शियल व्हीकल लोड्स ओवर 12 फीट वाइड यूज राइट लेन। स्केल तो मैं बहुत क्रॉस करके आया हूँ, लेकिन कैमरे के ऊपर ये पहली स्केल है एरिजोना के बॉर्डर के अंदर एंटर होते ही I-40 के ऊपर, ये अपनी पहली स्केल है। एक मैं आपको रूल बता देता हूँ सारे, अगर आपके पास में ओवरसाइज लोड है, ओवरसाइज लोड के साथ में जगह अगर स्केल खुली है, तो चाहे आपको बाईपास भी मिल गया, लेकिन फिर भी आप बाईपास जा नहीं सकते, आपको स्केल के ऊपर से ही जाना पड़ेगा भाई। अभी पीछे लिखा हुआ था कि ओवरसाइज लोड वाले बंदे राइट साइड में आ जाओ, लेकिन यहाँ पे भी राइट साइड में लाल बत्ती है, और वो सामने देखो 13 फीट 5 इंच अगर आपको दूर दिखाई दे रहा है, दो ट्रेलर खड़े ना, वो भाई इंस्पेक्शन हो रही है इनकी। बाहर वाली लेन में निकालूंगा, क्योंकि ये वाला गेट इनका पूरा पूरा सा लग रहा है, इनको अपना परमिट दिखाना पड़ेगा। ये सामने लिखा हुआ है ओवरसाइज लोड ओवर 12 फीट वाइड कीप राइट पार्क इन लॉन। डर ही लगता है भाई, अमानती पार्किंग में लगा लेते हैं यहाँ पे। मैंने तभी सोचा पता क्या था, मैं बोला भगा लेते हैं, कौन सा किसी ने देखा है, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई कितनी दूर जाएंगे भगा के पीछे आएंगे और पकड़ लेंगे आगे। अभी ये टाइम जो है ना अपनी लॉग बुक के ऊपर ऑफ नहीं डाल सकते, ऑन टाइम डालना पड़ेगा इनका। अभी जाके आता हूँ यहाँ पे। वो मैंने दूर अपना ट्रक खड़ा कर दिया, यहाँ पे ड्राइवर एंट्रेंस है, जाते हैं अंदर। I have oversized, so I came in. Were you able to go on to the scale? Yes, almost, but I was scared because 11-9. Okay. Yeah. Let's see. I'm gonna go out there and measure your load anyway. Oh, okay. I'm coming all the way from Canada, Winnipeg, so this is my first time I'm in Arizona. Yeah, it's looking good, the entry of the Arizona and the Red Mountains. Checking ho rahi hai bhai. Length minti kar rahi hai. बंदी ने भाई चीका कटा दिया, चीका यहाँ से इंची टेप लगा के नीचे करके पूरे हाइट की विड्थ उन्होंने मेजर की है, और बोलती कि विड्थ पूरी गलत है। अभी फिर अंदर बुलाया, अभी मालूम नहीं क्या सलूक करेंगे अपने साथ एक पिक्के वाले को भी आना पड़ता है स्केल के ऊपर, देख लो उसके पीछे ट्रॉली है ना, इसलिए ये तो गए भाई लंबे चक्कर के लिए अंदर। I spent half an hour on it, like to understand every highways and exit. Yeah, and the exit. Yeah. Most of the states have only a half hour after sunset. Really? Yeah, this is very good thing in Arizona. Driver can drive up to 1.5 hours after sunset, yeah. जब उसने सारी लेंथें मिली ना, तो अपनी लेंथें सारी इधर उधर ही पड़ी हैं, आगे वाले एक्सल से पीछे वाला एक्सल, पीछे वाले एक्सल से ट्रेलर के एक्सल आपस में, फिर बाद में लोड की वेट। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारा जो परमिट है वो रीवॉक्ड है। भाई मैं टेंशन ले गया भाई, मैं टेंशन ले गया भाई, मैं बोला गया काम से। तो वे को बोलती है कि दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है परमिट फिर से अपनी कंपनी को बोलो अप्लाई कर दे, दूसरी ऑप्शन है $15 लेंगे अभी परमिट दे देंगे। मैंने बोला भाई अभी परमिट दे दो, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी रुकने का टाइम नहीं है। फंसी हुई गेम है पूरी, पता क्यों? अगर कल दोपहर तक मैंने ये लोड ड्रिवर नहीं किया, तो एरिजोना में कल दोपहर के बाद ओवरसाइज लोड रोड के ऊपर नहीं चल सकता। परसों थैंक्सगिविंग है, इनकी छुट्टी है, तो उसके बाद थर्सडे को नहीं चलेगा, फ्राइडे को चलेगा, सैटरडे संडे फिर नहीं चलेगा। 40 मिनट का टाइम यहाँ पे खराब हो गया, बंदे ने रास्ते में रुक के व्लॉग भी बनाना होता है, व्लॉग किस टाइम पे बनाऊंगा मैं? चलो ये भी व्लॉग का हिस्सा ही हो गया। कोई भी ओवरसाइज का लोड आता है ना, उसको साइड पे लगा के उसकी मिनती करते हैं, एक हिसाब से डबल पैसा बन गया, क्योंकि लेंथ गलत निकली सारी। अपने पास फोटो है, वो फोटो अभी कंपनी को सेंड करते हैं, कंपनी को बता देंगे कि भाई $15 और लग गए। एरिजोना का एक ही शहर है जो सबसे फेमस है, फिनिक्स। ये वाले दो ट्रैक जाएंगे फिनिक्स, कैमरामैन फिनिक्स। कुछ तो गड़बड़ है बबुआ, कुछ तो गड़बड़ है, सारा ट्रैफिक में जाम हो गया। जब तक आपके पीछे कोई नहीं ना आता, लैशर लगे रहने दो, मेरे जैसे बंदे बहुत हैं जो इस टाइम पे सोने वाले होते हैं
इंटरस्टेट को अपनी खुद की नज़र लगी मेरे ख्याल में। सुबह से मैंने ना अपने मन ही मन में इसकी बहुत सख्ती कर दी कि इंटरस्टेट के ऊपर ब्रेक लगती नहीं, ब्रेक लगती नहीं। ये लो, ये भी लंबा निकल गया, ब्रेक लगी। ये सारा मसला बना हुआ है भाई। मैंने बोला पता नहीं क्या चक्कर चला हुआ है, यहाँ धुआं निकल रहा था, दूर से ऐसा लग रहा है किसी कार को ना आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो भाई सड़कें सुड़कें बनाई जा रही हैं। नहीं, इनको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं आने वाला हूँ? सारी नहीं बना दी साइड वाली, इतनी इज्जत हमारी करनी नहीं चाहिए इनको, हम भूल जाते हैं बाद में। ये मेरी लड़के आगे आ रहा है, ये सीनिक व्यू एरिया है भाई। ये अपना ट्रक लगा हुआ है और वो देखो नीचे दुनिया। हमको वो वाले हाईवे के ऊपर जाना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा वो वाला। अगर स्लो स्लो नहीं है, एक ही मंत्र है, 3 नंबर पे इंजन ब्रेक लगाओ, एक छोटा गियर पकड़ो और ग्रेड के हिसाब से उसको सेट करो। अभी मैंने 7वां हाई डाला हुआ है और मैं इंजन ब्रेक लगा के, पैर मेरे फ्री है, हाथ भी मेरे फ्री है, बस तेरे के ऊपर रखे हुए, बस देख रहा हूँ आगे माहौल चाल की दुनिया कैसे जा रही है। अपने ट्रक की आवाज देखो इंजन ब्रेक की, रनवे ट्रक रैंप 10 माइल्स ए हेड। अगर आपकी ब्रेकें फेल हो जाती है तो आपको रनवे ट्रक रैंप भी मिलेगा एरिजोना फिनिक्स से पहले। बड़ी लंबी हिल थी, पूरे 27 किलोमीटर की हिल है, कहीं पे प्लेन हो जाता है, फिर 6% आती है, फिर 5% आती है, फिर 4 आती है, अभी फिर 6 होगी। और वो नीचे छोटी छोटी जो लाइटें दिख रही ना, वहाँ पे जाना है हमने, लेकिन अपना लोड इतना हल्का है कि अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई इसकी। पासे हो जाए, पासे राह दे दे, राह दे दे, राह दे दे, हल्का लोड है, हल्का लोड है, पासे पासे पासे। अमेरिकन अमेरिकन स्पीड देखो इसकी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा पीछे भाई। ऐसा नहीं कि मैं काम करके खुश नहीं हूँ, लॉग बुक देखनी मेरी कितनी चली है। ये आज की ड्राइव बची है, कल अपनी ड्राइव ज़्यादा बची थी ना, आज मैंने सिर्फ 11 मिनट की ड्राइव बचाई है। आज आप सोच रहे होंगे यार अंधेरा हो गया, अंधेरे में भाई दबाई जा रहा है, कल चला रहा था कि भाई अंधेरे में हम चला नहीं सकते। हर एक स्टेट का अपना अपना एक रूल है। एरिजोना स्टेट में जब हम घुसे, इसके परमिट के ऊपर लिखा हुआ था सुबह 3 बजे स्टार्ट कर सकते हो और शाम को सूरज ढलने के 1.5 घंटा बाद तक चला सकते हो। 7 बजे तक अपना टाइम था, तो ये देखो अभी 2 मिनट बाकी हैं। कानून के पक्के हैं हम, कानून के पक्के। जब से मैं निकला हूँ ना घर से, पहले दिन मैंने चलाया 650, दूसरे दिन 850, तीसरे दिन भी 800 सवा 800, चौथे दिन आज मैंने 1040 किलोमीटर ट्रक चलाया, 1040 किलोमीटर, वो भी मैं आज 1050 से ऊपर चलाने वाला था 11 घंटों में। आज पता क्यों ज़्यादा चल गया? आज पूरा सफर हमने इंटरस्टेट के ऊपर किया, कोई ब्रेक ही नहीं लगी, अपनी मर्जी से ब्रेकें लगाई जो लगाई हैं। मैंने कहा अले मेरा ट्रक जो है ना 103 के ऊपर नहीं जाता, अगर मेरा ट्रक 110 पे जाता होगा ना तो ऐसे स्टेट के ऊपर, ऐसे इंटरस्टेट के ऊपर पूरा दिन सफ़र करेंगे तो 11 घंटों में 1100 से प्लस किलोमीटर सफ़र हम निकाल देंगे बड़े आराम से। ट्रक आया बड़ा ज़बरदस्त, जो आपको दिखाए के बगैर मैं नहीं रह सकता भाई। अभी अपने को सफ़र देखो ये है 197, तो अपने को सफर रह गया 197, कुछ भी नहीं है अभी अपने हिसाब से, बाबा जी सुख रखें। तो सुबह मैंने यहाँ से 5 बजे निकलना है क्योंकि यहाँ पे सुबह 3 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बंदे ने ना सारा रास्ता रोका हुआ है, ये एंट्री गेट है, हम अभी एग्जिट वाले गेट से अंदर आ रहे हैं सारे जाने। इसका जहाँ तो डीजल खत्म हो गया, जहाँ इस बंदे ने कोई ना कोई कांड किया है। यहाँ पे डीजल डालते हैं सारे ट्रक आके, तो वैसे यहाँ से आएंगे, लेकिन ये बंदे ने सारा काम खराब कर दिया भाई। क्या रौनके शौनके लगी हुई हैं कारों के तरफ, हजारों दुनिया तेल जड़वा के कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं यहाँ से अंदर कुछ मिल जाए। यहाँ पे मैंने किए विंग्स ऑर्डर, एयरबीस, ये साइड में भी बैठने की जगह, और ये मैकडोनल्ड है। वैसे इनके पास में पीजों की वैरायटी बहुत है, लेकिन मैंने विंग्स ऑर्डर किए, 20 मिनट लगेंगे। इस तरफ सारा प्लाजा, प्लाजे के साथ में ही जुड़ा होता है ये सारा सिस्टम। देखो बहुत बड़ा वीकेंड है भाई, सारी दुनिया अपने अपने शहरों को निकल रही है, लेकिन फिलहाल हमारा शहर अभी बहुत ज़्यादा दूर है। हम तो कहाँ एरिजोना में विनीपेग से टोटल 3500-3400 किलोमीटर दूर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी सुबह
खाली करने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद में लोड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी भी सरप्राइज बना हुआ है। कंपनी ने भी सरप्राइज रखा हुआ है, वो बोलते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर कल लोड नहीं मिलता तो थर्सडे को सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका में से लोड मिलेगा। थैंक्स गिविंग है, बहुत बड़ा वीकेंड होता है इनका, छुट्टी होती है, यहाँ पे सब बंदे छुट्टी पे जाएंगे। पंप इतने बड़े ना, ट्रक बहुत दूर लगा के आना पड़ता है। वो कहाँ मेरा ट्रक खड़ा है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। कनाडा में ट्रकिंग थोड़ी लिमिटेड होने के कारण इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती रेस्ट स्टॉपों के ऊपर, लेकिन आपने देख ही लिया ना अभी, यहाँ भी लव का पंप होगा, फ्लाइंग जगह पंप होगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। टीए के पंप वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ज़रूर होती है। इसको लेने के लिए कोई नहीं आया। ये सामने लव वाले हैं भाई, जाओ उसका ट्रक ठीक कर दो यार, इनको चाहिए मोटे पैसे। वो देंगे नहीं, उनकी अपनी कंपनी का बंदा आएगा, सिटी वाला ट्रक है तो लोकल ही उनकी कंपनी होगी कहीं। दो मिनट लेट के देख लेता हूँ यार। ये वाला जो सुकून है ना पूरी शिफ्ट खत्म करने के बाद में, ये एक अलग ही सुकून है। पैकिंग देखो इनकी, दो दिन हो गए सबवे खा रहे थे, आज विंग्स खाने को दिल कर रहा तो विंग्स खा लेते हैं। आपसे मिलता हूँ सुबह डाटा ट्रांसफर करके, वीडियो शायद आज भी एडिट करके नहीं डाल सकूंगा क्योंकि कल सुबह मैंने अर्ली उठ के डिलीवरी करनी है भाई, तो बाद में कंपनी वालों की तरफ होंगे कि भाई जी लोड दो, वापस जाना है हमने। फिनिक्स 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 सारा शहर भाई बीच से क्रॉस करते हुए, क्योंकि जो I-17 है ना शहर के बीचों बीच से निकल रहा है, तो अभी रश आवर का टाइम हुआ नहीं इसलिए हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ी हुई है। 10 ईस्ट। ये वाला जो है ना, ये वाला भाई लोड बहुत बाहर है, सारा डाउनटाउन है। मैंने बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग करके निकाला है ऊपर वाले का नाम ले लेके, क्योंकि ट्रैक बहुत छोटे हो जाते हैं और कारों वाले आके साथ में चिपक जाते हैं। ठीक रखना, 87 किलोमीटर रह गया बस, अभी हमको I-8 वेस्ट लेना है। भगा के भाई जी लाइसेंस लगा देना, स्पीड कम है अपनी, यहाँ पे मोस्टली बोर्ड लगे हुए हैं ट्रक्स राइट लेन ओनली, इसलिए ट्रकों वाले वैसे ओवरटेक करते हैं लेकिन मोस्टली सारे ट्रकों वाले राइट साइड में चलते हैं। ये वाला ट्रक देखो भाई, पीटर बेल्ट है, लॉन्ग नोज और इसमें घास फूस लोड किया हुआ है और एक हिसाब से बी ट्रेन बनाई हुई है। आ जा भाई, हर एक स्टेट का परमिट देख के मैंने आपको बता दिया कि कैसा कैसा हिसाब किताब है। हर एक स्टेट के अपने अलग से एक अजीबोगरीब रूल्स बनाए हुए हैं। एरिजोना में यहाँ पे आपको मालूम है इन्होंने सहूलत दी हुई सुबह 3 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी लॉग बुक ही 5 बजे स्टार्ट हो रही थी। सुबह मैं हॉट सीट पे बैठा हुआ हूँ अंदर वॉशरूम में और मेरे दिमाग में आया परमिट पढ़ते, थोड़ा सा परमिट पढ़ा तो उसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ है कि आप सिटी लिमिट्स के अंदर कोई भी इंटरस्टेट या स्टेट हाईवे यूज नहीं कर सकते 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और दोपहर को शायद 3 से 5 है। तो मैं भाई मेरा रंग फिर से भाई एक बार और हो गया। उनको मैंने टाइम दिया सुबह 7 बजे का, लॉग बुक मेरी लेट चली और अभी 1 घंटा लेट है। वाइड लोड भाई कभी भी आप सही ETA दे ही नहीं सकते, क्योंकि परमिट के हिसाब से अभी मेरे को मैप जो है ना मैप के हिसाब से मैं अभी तक पहुंच गया होता वहां पे, अभी परमिट के हिसाब से मैं अभी और 80 किलोमीटर परमिट के हिसाब से अभी भी 80 किलोमीटर पीछे हम। आज 12 बजे के बाद में पूरे एरिजोना में आप कहीं भी ओवर सही लोड नहीं चला सकते। अभी आप चला सकते हो फ्राइडे को सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक, सैटरडे संडे फिर नहीं चला सकते। पैसे ज़्यादा बनते हैं ओवरलोड के, क्या हो जाता है कि एक दिन ही एक्स्ट्रा लग गया मेरे को यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। लो अभी ये हमारा लास्ट एग्जिट है 84 हाईवे, यहाँ से राइट मारना है अपने को। स्टैनफील्ड एरिजोना में स्टैनफील्ड नाम का एक एरिया है, वहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा है ना वो सामने देखो, ये राजस्थान में होता है ना ऐसा वाला, मेरे को नाम अभी इसका मालूम नहीं, मेरे ख्याल में ये जुगाड़ क्या है, बड़ा बढ़िया सा जुगाड़ लगा हुआ है। क्या बात है, मजा आ गया 4000 किलोमीटर सफर करने का मिनी पैक से एरिजोना अकॉर्डिंग टू द ओवरसाइज परमिट। इशारा मार रहा है, बोलता है उधर आ जाओ। सारा रास्ता सही आ गया है, अभी ऐसा ना हो जिनके खाली करना है उनका गेट तोड़ के जाऊं। आ गया। अगर बहुत ज़्यादा टैड है तो फिर इसको बड़े ध्यान से, अगर डिले है फिर कोई चक्कर नहीं है।
फोर्कलिफ्ट पे बड़ा बड़ा उससे उठा रहे हैं। एक चेन रह गई, ये भी खोल के बस खत्म। इसमें रख देते हैं सारी बेल्टें और कारपेट, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी आगे बेल्टों की। ओह मैंने क्या बोल दिया, हाँ जी भाई साहब एक लोड मिला है, लेकिन अगर वहाँ पे टाइम पे पहुँच गया ठीक नहीं तो फिर 3-4 दिन वही छुट्टियाँ। और सारी चेनें वो वाले में रख देते हैं, क्योंकि वो वाला बहुत मुश्किल से खुलता है। ओके यू आर डूइंग वेल, या वेरी गुड, थैंक यू फॉर द हेल्पिंग। इस बड़े को उतारने के लिए ना, ये देखो ये जंगला लेके आए नीचे, उस जंगले का स्टैंड है लोहे का, उसको नीचे डाल के फिर उसको उठाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और इसका वजन भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से भाई, मेरा ट्रक भी है, बड़ी बड़ी फोर्कलिफ्ट से उतारा है इन्होंने, और अच्छा बड़ा स्टैंड नीचे लगा के फिर ये इतना ही काम होता है खाली करने का। दो ही चीज़ें थी बाकी, ये छोटी मोटी है, ये वाले लकड़ी के जो कट्टे हैं वो उतार रही है, जो कील हैं वो नीचे ठोक के देगी या निकाल के देगी। ये देखो ना बीच बीच में लकड़ी के होते हैं, ये स्टील का हो गया, ये लकड़ी का, ये स्टील हो गया फिर वो लकड़ी है, ये स्पेशल इसी काम के लिए बनी होती है। थैंक यू, आई रिकॉर्ड यू ऑलरेडी, सो यू विल बी इन माई व्लॉग्स टू। ओ शार्प, थैंक यू वेरी मच। ये लड़की ने बड़ा अच्छा किया भाई। और ये यहाँ पे काम करती है, ये सारे आसपास वाले गांव वाले बंदे ही हैं, 2-3 बंदे और एक लड़की है, इनके चाचा ताए के लड़के ही हैं, सब सरीका बरादरी है। ये सारे अभी उतार के रख लेने मैंने। ही इज द ऑनर ऑफ दिस फर्म। What's that? So what's your name actually? Oh, Steve Sharp. Steve Sharp. So yeah. He's doing this from 40 years. 40. We've been doing this for 61 years. 61 years. Yes. And ye wali jo cheez hai na, it will work for the 3 years. Some people are replacing in 3 years. Yeah, but some are keeping it 10 years. Yeah. Okay, man. A lot of hours. Yeah. A lot of hours. Yeah, thank you. Ye honor hai aur inki 6th generation hai yahan pe. To ye abhi 60 ईयर से 60 साल से यही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ 3 साल तक रखते हैं फार्मर, उसके बाद में ड्रिल को चेंज कर देते हैं, नई मंगवा लेते हैं। इसलिए भाई ये कंपनी है ना जो एक दिन में 20-25 ऐसे वाले ट्रिप निकाल देती है, तो जाहिर सी बात है अगर 3 साल में ख़त्म हो रहे हैं तो नए तो मंगवाने पड़ेंगे। इसको देख के एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये बिलीनियर बंदा होगा, ये बिलीनियर है, इसके पास में बहुत तकड़ी फर्म है। ये बंद करके रखोगे ना ज़्यादा फायदा रहेगा, रास्ते में पानी आएगा तो इसको रश नहीं लगेगा, जंगाल नहीं लगेगा इसको। ढीला है, लो अलग हो गई, एक और नया खर्चा। इसने मेरी हैमर तोड़ दी। इसी अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पिकअप करेंगे, अगर आज मिल गई तो यहाँ से निकल के एरिजोना थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं, बातें करते हुए जाते हैं। कर दिया सब्सक्राइब अभी तक कि नहीं किया? नहीं किया करो यार, अभी तो थोड़ी भी टूट गई, अभी तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, टिल देन अपना और अपने का ख्याल रखो, राब राखा। कोई भी लोड अमेरिका से उठाएंगे जाना कनाडा में ही है, तो कनाडा का जो सबसे पास वाला बॉर्डर भी है ना वो भी 1500-2000 किलोमीटर के, 1500-2000 किलोमीटर से कम नहीं होगा, टोरंटो की तरफ तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर विनीपेग को वापस जाएंगे तो 3500। I don't really like going out, it makes me uncomfortable, comfortable, yeah.